हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ योगेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीआई कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे योर ऑब्जेक्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाय यूजिंग चार्ट एंड मॉडल। आज हम चार्ट और मॉडल से अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जानेंगे, पहचानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, सबसे लास्ट पार्ट एनस तक। तो माउथ के कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं जो फंक्शन करते हैं? माउथ में हमारा सबसे पहला टीथ होता है और टंग होता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ऐसे वो होते होते हमारे कहाँ तक आती हैं? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट फाइनली एनस तक वो पहुँचती हैं। अब इनके बारी बारी से हम लोग इसके फंक्शन जानेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला हमारा अपेंडिक्स है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट भी होते हैं। जैसे हमारे लार्ज सिकम, कॉलम, रेक्टम, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होता है ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम पार्ट होते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है, ये एनस, ये हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें दो तीन गॉल ब्लैडर और हमारा लीवर एक्सेट्रिप होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, वो फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माउथ, यहाँ पे मेस्टिकेशन होता है, टीथ कहते हैं मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन के बाद वो कहाँ से स्लाइवा हमारा वहाँ पे स्टोर होता है। स्लाइवा के बाद हमारा कहाँ था है? स्टमक में। स्टमक में आने के बाद क्या होता है? वहाँ पे डाइजेशन होता है स्टार्ट। ठीक, डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है? उस फूड डाइजेशन होने के बाद हमारा स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? हमारा डाइजेशन का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा स्टमक है। स्टमक हमारा ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा रहता है और वो कहाँ जुड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। ये आप देख रहे हैं जेजुनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जेजुनम सुपीरियर वेना आर्टरीज यहीं पर प्रेजेंट रहते हैं और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी हमारा यहीं से होता है। सेफनोट कॉलम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये देखिए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है और ये पार्ट में हमारे एनस तक पहुंचता है। ये देखिए स्प्लिंजर्स हैं, इसमें मसल्स हैं, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये हमारा गॉलब्लैडर होता है और पैनक्रियास ग्लूकोज और फैट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करती है या उसको ब्रेक डाउन करने में उसकी हेल्प करती है। ऐसे ही गॉलब्लैडर होता है, वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस और कुछ जूसेस निकलते हैं, वो क्या करते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। ये हमारा गॉलब्लैडर है। ये लीवर है, लीवर से लीवर एंजाइम्स निकलते हैं, SGOT, SGPT, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और क्या होता है जब वो हेल्प करते हैं, वो उनका मेन एक उद्देश्य ये रहता है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। अगर वो हमारा खाना टूटेगा नहीं तो क्या होगा? खाना एज इट इज़ हमारे बॉडी में पड़ा रहेगा और वो उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और भी दिक्कतें हो सकती हैं उससे। तो वो क्या करते हैं, जूसेस हमारी बॉडी में जो वो क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। वो कुछ भी हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कुछ भी, एवरीथिंग। ये हमारा पूरा ह्यूमन चार्ट है, डाइजेस्टिव चार्ट है। इसमें हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव। आइए अब बात करते हैं मॉडल की इसकी। ये हमारा मॉडल है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल है। ये हमारा हेड है और ये हेड से हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होते होते हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में। ये हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस और इसोफेगस हमारा ये स्टमक है और ये ऊपर लीवर है इसके, लीवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियाज। ये हमारा पैनक्रियाज, लीवर, ये हमारे गॉलब्लैडर हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये आर्टरीज वगैरह हैं, ये हमारा लीवर है और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है।
जो बाहर की तरफ है, और अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लास्ट में एनस पार्ट है। ठीक है, ये हमारा पूरा मॉडल है, जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा सेम हमारा मॉडल है। ये बेसिकली जनरली हम लोग बच्चों को दिखाने के लिए बनवाते हैं, जिससे पूरा हमारा सिस्टम हमको दिख जाए। ये तो हमारा रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।